क्योंकि अभी जो नए नए लोग आए हैं उनके भीतर विचार ही नहीं है उनके पास तो केवल अवसर की ललक है वो समझते हैं नमस्कार ही नहीं। आप देखना शुरू कर चुके हैं सीता सीतामढ़ी की आवाज मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार हमारे साथ आज इस फ्रेम में भाजपा के दिग्गज नेता महंत अशोक कुमार दास जी हैं सबसे पहले स्वागत है सर जी नमस्कार आप बहुत पुराने कार्यकर्ता है भाजपा में कई ऐसे चेहरे आए कई ऐसे दिग्गज आए जिनको आपने लोकसभा विधानसभा पहुंचाया, पुराना आपका अनुभव है क्या लगता है इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें किस तरीके की स्थिति को आपने देखा है देखा जाए इस बार तो परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल थी परंतु लब्ब लुआब ये था कि हर लोग अपने अपने हिसाब से लोकसभा में उम्मीदवारी का दावा करके जो मूल लक्ष्य था हमारा चुनाव जीतना उसमें जितनी सहभागिता मनोयोग से होना चाहिए था किसी कारणवश नहीं हुआ इसके बावजूद भी हम तीन कारणों से ये फतह हासिल किए जिसमें मोदी का भाव और प्रभाव था नीतीश कुमार का छुपा हुआ जो अति पिछड़ों का वोट बैंक है और देवेश बाबू का जो अपना व्यक्तित्व था और चुनाव में जो उनकी लगनशीलता थी चुनाव के पहले से ही उनका जो दौरा हो रहा था बाद में उनका जो दौरा हुआ और उनके प्रति जो लोगों का अच्छा भाव था इसके कारण हम ये चुनाव जीत गए हैं अच्छा लगातार आपने कई ऐसे लोकसभा विधानसभा का चुनाव आपने देखा इस समय जो जिस तरीके से जो मार्जिन होना चाहिए जिस तरीके से वोट बैंक में कही न कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक सेंधमाड़ी हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे देखा जाए वोट में सेंधमारी नहीं है चुनाव में हम लोगों को जिन जिन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के हिसाब से पहुंचना चाहिए था हम अपने वोट बैंक को उत्प्रेरित करके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए जिसके कारण विरोधी को लाभ हो गया नहीं तो हमारा जो वोट बैंक था वो अपनी जगह बिल्कुल मुखातिब था उसको हासिल करने में हम असमर्थ रहे ये हमारा माइनस है अच्छा कहा जाता है भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो एकदम जमीन से जुड़े कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए जो नेता है उनको उठाता है लोकसभा विधानसभा पहुंचाता है आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं काफी समय आपने सीतामढ़ी को दिया यहाँ के क्षेत्र में दिया सुरसंण विधानसभा का इस बार फिर से चुनाव होने वाला है विधानसभा का जो चुनाव है 2025 में क्या लगता है आप जैसे कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए देखा जाए एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि एक होता है जो राष्ट्र सामने खड़ा है और संगठन के लिए व्यक्ति अपना उत्सर्ग करता है अपना समय देता है और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपने लिए संगठन का लाभ लेते हैं तो आज भाजपा में तीन स्तर के कार्यकर्ता हैं एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बरसों से लगे हुए हैं जिनकी निष्ठा संघ के साथ है जिनका सपना है देश को उत्कर्ष तक पहुंचाना, जिसका नतीजा नरेंद्र मोदी हैं या अयोध्या मंदिर हैं और तीसरे ये हैं जो यहाँ राजनीति करने के लिए आए हैं विधायक और एमपी बनना चाहते हैं हम बार बार मांग करते रहे हैं विधानसभा के लिए और अगर संगठन समझता है कि ये हमारा सेवक उचित आवाज़ उचित काम जनता का करने में समर्थ है अगर हमको वो मौका देती है हमारी पार्टी तो हम समझेंगे कि हमको काम करने का एक मौका मिला है तो निश्चित रूप से हम विधानसभा लड़ना चाहेंगे ये हमारी भी उत्कंठा है कि हम अपनी आवाज़ अपने देश की आवाज़ हम विधानसभा में उठा सकें अच्छा लगातार सुरक्षण में आप दो बार पहले प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ की परिस्थिति को भी आप भली भांति जानते हैं यहाँ किस तरीके से जो दिक्कतें हैं जो समस्याएं हैं उन सबका अवलोकन आपको है जी हाँ जिस समय यहाँ भाजपा प्राइमरी स्टेज में था और उस समय जातिवाद का इतना गहरा विवाद भी नहीं था उस समय मैं संजोग से यहाँ दो बार अध्यक्ष रहा हूँ सुरसंद प्रखंड का और 2000 में मैंने चौदह घुसपैठियों को पकड़ा था अपने दम पर और हमको बहुत इस पर मतलब समझिए कि मनोबल हमारा ऊंचा होता है कि हमारे कार्यकर्ता में से नेपाल में अर्थ मंत्री हुए श्री राज राजदरबार के प्रवक्ता हुए हमारे सहयोग से ये जलेश्वरनाथ यफ एम आया और हमारे ही काल में नवल राय जी एम हुए हमारे ही काल में जयनंदन यादव यदि उससे विधायक हुए और अगर हम लोगों को भी मौका मिलता तो शायद आज हम विधानसभा में होते और सुरसंड की हालत ऐसी नहीं होती हम लोग जब भी चलते थे समन्वय के आधार पर चलते थे समाज के आधार पर चलते थे हम लोगों के समय में कोई फिरका प्रस्ती की दुर्भावना भीतर नहीं थी आज जो है वो संगठन का स्वरूप ही बदलता जा रहा है आज ज़रूरत है पुनः भारतीय जनता पार्टी को पीछे लौटने की द्वार आपने खोल दिया है कोई हर्ज नहीं है लेकिन मिलकियत मत बदलिए मिलकियत बदलने से आपकी आपका पूरा सिस्टम समाप्त हो जाएगा आपका लक्ष्य समाप्त हो जाएगा आज पुनः जरूरत है कि आप वैसे कार्यकर्ताओं को मौका दीजिए जो भारत माता की भावनाओं से उसका रग रग तो तो भरा लोकसभा से देवेश चंद्र ठाकुर के जीतने के बाद लोगों का जो उम्मीद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्या लगता है इस बार विकास हो पाएगा निश्चित रूप से होगा क्योंकि आदरणीय देवेश बाबू सुधरे हुए लोग हैं शिक्षित हैं सुसभ्य हैं और व्यक्तिगत कोई ईर्षा द्वेष उनके भीतर नहीं है हम समझते हैं कि इस पाँच साल में पुनौरा मंदिर तो बन ही रहा है रेलवे लाइन से भी निश्चित रूप से एक नया जुड़ाव होगा और एकाध सड़कें भी बढ़ेंगी और विकास एक नया पैमाना देखेगा जहाँ तक उन्हीं के साथ बैठने से ये बात की जानकारी हुई कि एजेंडे में उनका जो है वो रीगा चीनी मिल भी है अगर रीगा चीनी मिल पुनः चालू हो जाता है तो हम समझते हैं कि पश्चिम के किसानों की माली हालत और काफ़ी सुधरेगी अलग से हम आग्रह करना चाहेंगे कि हम केवल सुरसंड के बारे में नहीं कहेंगे सुरसंड के बारे में उनसे एक बार कहा था और आज भिट्ठा गांव से एक छड़की की रातों नदी को घिरते हुए आखिर काफ़ी अच्छा विकास उन्होंने करवाया है लेकिन हम चाहेंगे कि बेलसंड जैसे शहर का भी हो छड़की से घरवाव करवा दें ताकि वहाँ पानी वगैरह की जो समस्या है उसे निजात मिले सुरसंड में हम चाहेंगे कि रधाउर से भी पानी का निकासी हो और जो घुसखोरी अभी तक है उसमें निश्चित रूप से कमी लाने के लिए पूरी ताकत हम आदरणीय सांसद महोदय से कहूँगा कि वो लगा दें ताकि आम लोगों का जो दाखिल खारिज है या राशन है या स्कूल में पढ़ाई है या थाने के कारण जो सुरक्षा की बात है उस समय थोड़ी सी तब्दीली निश्चित आनी चाहिए कि थाना अपना काम करे एक विषय और उठाना चाहूँगा कि उनका बिहार सरकार से भी अच्छा संबंध है बहुत सारे गांवों में चौकीदार नहीं है चौकदार की निश्चित रूप से बहाली होनी चाहिए ताकि गांव की बात एक एक बात थाने को मालूम हो और इस तरह से हर महकमे में हमको पूरा भरोसा है कि देवेश बाबू लंबे काल से राजनीति से जुड़े हुए हैं जन प्रतिनिधि उनको अभी तक थे इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि लोकसभा की कुर्सी से भी वो सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र का पूरी तरह से चतुर रंगी विकास चतुर्दिक विकास वो कर पाएंगे